नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। शुजालपुर कालापीपर विधानसभा क्षेत्र के पोलाईकला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस की सौगात मिली है। यहां सुविधाओं के नाम पर विगत कई वर्षों से एक डॉक्टर ही है। इसके अलावा अस्पताल में ना तो एक्सरे मशीन है और ना ही कोई अन्य जरूरी सुविधाएं। ऐसे में मजबूरन मरीजों को अन्य अस्पताल ले जाना पड़ता है। मरीजों के परिजन स्वयं के खर्चे से वाहन किराए पर लेकर मरीजों को अन्य अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। यहां रोजाना डिलीवरी के मामले भी आते हैं। ऐसे में सौगातों के रूप में मिली एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होंगी। कई बार एम्बुलेंस की कमी से मरीज की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं की इस कमी से जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हो सकी थी। आखिरकार वर्षों के बाद एम्बुलेंस की मांग कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने सुनी और 11,27,000 रुपए की विधायक निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस की चाबी वाहन पूजा के बाद विधायक कुणाल चौधरी ने पोलाईकला वीएमओ अजय सालवे को सौंपी है। कालापीपल क्षेत्र में आज एक एम्बुलेंस हमला है और जनता की जिस प्रकार से मांग थी और जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और कोरोना काल में जिस प्रकार से एम्बुलेंस की जरूरत थी, हम लोगों ने एक एम्बुलेंस ली है और कहीं ना कहीं जनता को समर्पित करी है। और मेरा जनता से आग्रह है कि लॉकडाउन का पालन करें। खबर समय जगत के लिए शुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।